यकीनन जब इतना बड़ा मेथड है उसमें कमियां तो कुछ रह जाती हैं, लेकिन मुझे आप बताएंगे ना कि आप लोग इससे कोई फ़ायदा दे रहे हैं, कितना फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अगर नहीं भी हो रहा तो हमने वो फ़ायदा जो है, नहीं जो हो रहा उसको फ़ायदे में कन्वर्ट करना। बहुत सारा मौजूद है ना यहाँ पे, केस की एग्जांपल लेके लोगों को उसमें से तो गुजारेंगे नहीं, लोगों को समझ नहीं आएगा। अभी हम सुन लेते हैं, कुछ भी हो जाते हैं बड़े कि जी बड़ा अच्छा लेक्चर है, बाद में फिर अक्सर लोग अपनी मुसीबत हो जाते हैं, काम भी नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर थोड़ा सा उसमें से एक दफ़ा गुजरेंगे जी तो ज़रूर काम करेंगे। मैं सब चाहता हूँ कि मैंने दोस्तों ये किया था कि हम अगला जो लेक्चर है वो केसेस के ऊपर रखेंगे, उसमें हम डॉक्टर साहब के ही केस, जो केस वो कर चुके हैं वो भी, और जो केस उन्होंने हमें हमारे लिए दिए बतौर उसमें मश्क दिए वो भी हम देखेंगे। आज भी मैंने कुछ एलिमेंट्स के केसेस में सर हर लेक्चर में एक दो हों तो ये नहीं कि आप जैसे कह रहे हैं कि एग्जाम फिर करेंगे, आज के लेक्चर में जैसे कुछ हो जाए तो वो ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। ठीक है, सही है, उसमें फिर लोग काम भी करेंगे, मान गया सर का। सर अगर ये पिंडी की जो हमारे साथी है, अगर ये अपनी तरफ से एक लेक्चर में एक मरीज दया करें यार, अगर आप टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मरीज आए ना फिर योगा के जब आप हाँ ये आप कर लें कभी कर लें, लेकिन कोई ऐसा दिन बना लें कि जिसमें हमने बकायदा पेशेंट ले आए, और फिर ना आपका दिन गुजरेगा उसमें, फिर ये आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैं हाजिर हूँ, मैं अपनी चीज़ें मटेरियल उठा लाऊंगा जिसमें मैंने स्टडी करना होता है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। वो भी सर पढ़ाई का हिस्सा ही होगा ना सर, पढ़ाई का हिस्सा है वो, तो मैं तो कहता हूँ जो केस होता है ना करेगा क्यों नहीं करेगा, वो तो बड़ी बड़ी किताबों से ज्यादा जो है ना वो इस तरह के सी उसर थी वो सर। या सर नेक्स्ट हमारा केस टेकिंग पे ही है तो क्यों ना हम दो केस यहाँ पे रख लें। नहीं मसला ये नहीं होता, मैं देखा है कि हमने कितने पेशेंट को राजी किया होना कहीं, मैं अब डॉक्टर साहब को ये आते हुए कह रहा था, मैं कह रहा था कि वहाँ पर हमारे जो साथी ना कैमरा के वो मेरे क्लिनिक में आए, पेशेंट हमें दिया हो तो वो उसकी वीडियो बनाए बोर्ड में, ठीक है ना, पेशेंट को बना लेते हैं आपका वीडियो केस हमें रिकॉर्ड करना है, वो वहाँ पर मुझे अकेले बैठ के दे देगा, इतने साथी बैठे हुए सारे कंफ्यूज हो जाएगा, अच्छा आप वो वीडियो देखें कि उसमें मैंने किस तरह से सवाल किए। सर ऐसे नहीं कर सकते ना कि कैमरा लगा देंगे आपके रूम में, इनको यहाँ प्रोजेक्टर लगा के लाइव दिखा देंगे, ये भी हो सकता है। तो पेशेंट के ज़हन में हो ना कि एक मेडिकल बोर्ड बैठ गया है सारे, फिर उसके ज़हन में और उसको पहले तैयार कर दीजिए ना पेशेंट को, नहीं वो आपके लिए बोर्ड उठा रहे हैं आप सर का ट्राई नहीं हो रहा आपका वाद, अगर आप ये समझते हैं कि ऐसे कोई केस दे देगा, देखिए मेरा एक्सपीरियंस ये है कि नहीं देते, मेरा ये एक्सपीरियंस है आप जो मर्जी कर लें वो, हाँ मैं उसके साथ बैठूँगा वन टू वन, आप उसके साथ बैठे होंगे तो वो आपको बातें बतानी शुरू कर देगा, लेकिन क्योंकि हमने बड़े सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर जिसको लाना होता है तो वो नहीं ला पाते। सर ऐसे मरीज भी होते हैं जो अक्सर कहते हैं डॉक्टर से कि अगर और डॉक्टर है आपके ख्याल में तो वो मुझे बता देगा, वहाँ चले जाऊँगा किसी और से मशवरा करने। सर हमने वो जो फैसलाबाद में केस किया था डॉक्टर मदर रजवी साहब का, हाँ उसमें भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, देखिए वो फिर मदर रजवी साहब का केस हाल तो नहीं हुआ था, हाँ जी वो बहुत सारी चीज़ें वो आए पाए शाए कर गए थे उसमें, हालांकि उनको समझाया था वो कहते थे हाँ ठीक है, और एक डॉक्टर हो के पूरा केस नहीं हमें दे रहे सर, रिलेक्टेड होते हैं पेशेंट अपना अदर खोल के कोई नहीं बताता, ये बड़ा मुश्किल काम है। डॉक्टर साहब के वो कज़न थे जो प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं, वो जो कल मेरे पास आए थे, तो जैसे ही मैंने कहा कि आपका केस इनके सामने नहीं लूँगा आगे लूँगा, कहते हाँ हाँ बिल्कुल सही है, मतलब बड़ा वो ऐसे हो चुके हैं कि हाँ हाँ ठीक है मैं उसको समझ गया कि तू है तो साइकोटिक ठीक है, ठीक है वो कहते हैं हाँ ये ठीक है बस।